हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्रिसमस स्पेशल रम केक। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने बाउल में आधा कप रम ले लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच छुआरे डाल रही हूँ और एक चम्मच मैं इसमें खजूर डाल रही हूँ और एक चम्मच मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ पिस्ता लिया है। एक चम्मच मैंने चॉप किए हुए बादाम लिए हैं। एक चम्मच मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ काजू लिया है। एक चम्मच मैंने यहाँ पे कटी हुई चेरी ली है। एक बड़ा चम्मच मैं काली किशमिश डाल रही हूँ और एक बड़ी चम्मच यहाँ पे मैं गोल्डन रेजिन्स डाल रही हूँ। एक चम्मच मैं इसमें अदरक का जेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो अदरक का जूस भी डाल सकते हैं इस पे। और एक चम्मच मैंने यहाँ पे ऑरेंज का जेस्ट लिया है। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी और एक दिन के लिए इसको रख दूँगी। एक दिन हो गया है तो अब मैं सबसे पहले मसाला रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने 6-7 तेज पत्ता ले लिया है। अब मैं इसमें 2 डंडी दालचीनी की डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चक्री फूल डाल रही हूँ। 3 मैंने जावेत्री ले ली है। 6-7 मैंने इलायची ले ली है और 1 मैं इसमें जायफल डाल रही हूँ। जायफल को मैंने कूट लिया है ताकि वो अच्छे से पिस सके। और 10 मैंने लौंग ले ली है। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लूँगी और छान लूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको छान लिया है और मसाला बिल्कुल रेडी है। मैंने गैस को एकदम लो फ्लेम पे चालू कर दिया है। अब इसके बीच में ये देखिए मैं ढक्कन लगा रही हूँ और ये देखिए कुकर की सीटी को मैंने निकाल दिया है और अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और इसको प्री हीट होने दूँगी। अब मैं एक बाउल में आधा कप शक्कर ले रही हूँ। आप चाहे तो पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं ताकि ये अच्छे से मिल सके। अब मैं इसमें 1/3 कप बटर डाल रही हूँ। ये मैंने बिना नमक का बटर दिया है। अब मैं बटर और शक्कर को अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए बटर और शुगर अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब मैं इसमें 1.5 अंडा डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही अंडा इसमें मिक्स करिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा अंडा मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये देखिए अंडा मिल चुका है। अब जितना बचा हुआ अंडा है अब इसमें मैं वो डाल रही हूँ। तो ये देखिए अंडा अच्छे से मिक्स हो चुका है बैटर में। तो अब मैं इसमें 1/2 कप मैदा डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे से छान ले रही हूँ। अब मैं इसमें कतरी डाल रही हूँ। मैंने रेड वाली कतरी और ग्रीन वाली कतरी ली है। आप चाहे तो कोई और सी भी कतरी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। और ये देखिए सभी चीज़ें अब अच्छे से मिल चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने मसाला बनाया हुआ था वो मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। तो अब मैं मसाले को भी बैटर में अच्छे से मिला लूँगी। तो अब ये देखिए इसमें मैं सोख के हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और अब मैं ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिला लूंगी। मैंने बिना अल्कोहल के भी केक बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये देखिए ऊपर आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ और अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी। और ये देखिए बैटर अब बिल्कुल रेडी है। केक मोल्ड को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल रही हूँ। मैदे को अब अच्छे से मैं फैला लूंगी। और ये देखिए अब केक मोल्ड बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें बैटर डाल दे रही हूँ और अब ये देखिए मैं बैटर को गार्निश कर लूंगी ड्राई फ्रूट से।
तो ये देखिए बैटर अब बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब मैं मोल्ड को कुकर में रख दूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन अच्छे से बंद कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से बेक होने दूंगी कम से कम 40 मिनट के लिए। अब मैं केक को टूथपिक की हेल्प से चेक करूंगी और ये देखिए अच्छे से अब ये बेक हो चुका है। तो अब मैं केक को डीमोल्ड कर लूंगी नाइफ की हेल्प से। मेरे चैनल में आपको बहुत टाइप के केक मिलेंगे, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट केक बेक हुआ है। अब मैं केक को कट करूंगी और ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा बेक हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं आप तक इजीली पहुंच सके, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।